कोरोना वायरस का खौफ लोगों में बना हुआ है। हर रोज कोरोना वायरस के कारण लाखों लोग संक्रमित हो रहे हैं। कोरोना वायरस के कारण बचाव के लिए मास्क लगाने की सलाह एक्सपर्ट के जरिए दी जा रही है। हालांकि मास्क लगाने को लेकर भी लोग लापरवाही बरतने लगे हैं, साथ ही लोगों को सही तरह से मास्क लगाने के इस्तेमाल की भी जानकारी कम है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने मास्क के इस्तेमाल को लेकर कई सुझाव दिए हैं। इनके मुताबिक एक मास्क का पूरे दिन इस्तेमाल करते हैं तो इसे दोबारा नहीं पहनना चाहिए। ऐसा मास्क नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसके साथ ही मास्क ऐसा होना चाहिए जो कि मुंह को पूरी तरह से ढक ले। ऐसे करें मास्क का इस्तेमाल। अगर आपने कुछ देर के लिए ही मास्क को पहना है और उसमें नमी नहीं आई है तो उसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। मास्क में कट है या वो ढीला हो गया है तो उसका इस्तेमाल ना करें, ये इस्तेमाल लायक नहीं है। मास्क चेहरे पर सही तरीके से फिट होना चाहिए। ज्यादा बड़ा या ज्यादा छोटा मास्क पहनने से फायदा नहीं होगा। एक से ज्यादा मास्क रखें और समय समय पर मास्क बदलते रहें। मास्क को उतारने के बाद हाथ साबुन से जरूर धोना चाहिए। जब आप मास्क उतारें तो मास्क के इलास्टिक को पकड़कर उतारें। मास्क को मुंह के हिस्से से न छुएं। अगर मास्क पहनकर छींक रहे हैं या खांस रहे हैं तो इस मास्क का दोबारा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मास्क का दोबारा इस्तेमाल करना हो तो इसे पॉकेट या टेबल पर नहीं रखना चाहिए, इसे पेपर बैग में फोल्ड करके रखना चाहिए। मास्क में नमी आ जाए तो इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, सूखे मास्क का ही दोबारा इस्तेमाल करना चाहिए। लूज और अनफिट मास्क न पहने, साथ ही गंदे मास्क का दोबारा इस्तेमाल न करें। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।